बहुत ही मजेदार टॉपिक ब्लड। इस टॉपिक से जनरल एग्जाम, नीट, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं ब्लड किसे कहते हैं या ब्लड किसको कहा जाता है। ब्लड को हिंदी में हम लोग रक्त, रुधिर एंड खून भी बोला जाता है। ब्लड जो है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्मेंट एलिमेंट भी पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का हिंदी होता है संयोजी ऊतक, जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है, उसी को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसमें द्रव्य का होता है फ्लूइड, मैट्रिक्स का हिंदी मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। संगठित का मतलब हो गया जैसे एक ब्लड हुआ, ये दूसरे ब्लड से मिलकर बना होता है। ब्लड जो हम लोग के शरीर में बहता है, जो भी ब्लड से हम लोग जिंदे हैं शरीर में बहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड। अगर फॉर्मेड एलिमेंट कौन कौन होते हैं, इरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखेंगे इरिथ्रोसाइट होता क्या है। आइए देखते हैं इरिथ्रोसाइट्स होता क्या है। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को बोला जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। पूछता है क्वेश्चन कि आरबीसी का कॉमन नेम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। अब रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लाल रक्त कोशिकाएं। इरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिनों तक होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपका कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, ब्लड का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, आरबीसी को बोला जाता है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से घुमाएगा कि ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, यहाँ है ब्लड का कब्रिस्तान, यहाँ है ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी मतलब ब्लड बैंक, किसको बोला जाता है, स्प्लीन को। अब आपका क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है। मतलब क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर रेड होता है। अब पूछ देगा क्वेश्चन आपका कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, या हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है, क्या कंटेनिंग पिगमेंट है ये देखेंगे। इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसमें हो गया आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग क्या, हीमोग्लोबिन। अब जैसे 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, 12 से 16 ग्राम। अगर किसी पर्सन को ब्लड हम लोग चेक कर रहे हैं, 100 ml ब्लड है, तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा, 12 से 16 ग्राम। ये हो गया 12 से 16 ग्राम। अब जैसे है कि दो है, एक मैम फीमेल पर्सन है, एक मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन में ब्लड कितना पाया जाता है, 5 से 6, और फीमेल में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। मेल में जो होता है 1 लीटर ज़्यादा होता है, फीमेल में 1 लीटर कम होता है। अब देखेंगे ल्यूकोसाइट्स को हम लोग, उसका ल्यूकोसाइट्स हो गया WBC, या WBC का कॉमन नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगर ल्यूकोसाइट्स का कॉमन नेम हो गया WBC, या WBC का कॉमन नेम हो गया ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पेन कितना दिन होता है, 13 से 20 दिनों तक होता है। ल्यूकोसाइट्स कलरलेस होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका कलर श्वेत होता है, उजला होता है। अब क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकोसाइट के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, ब्लड जैसे कैंसर का घातक बीमारियां होती है। आपका पूछ देगा क्वेश्चन कि ल्यूकोसाइट्स को अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे हम लोग के बॉडी में ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाता है, उसे कौन सी बीमारी होगी, ब्लड कैंसर जैसा घातक बीमारी होता है। या क्वेश्चन पूछ दे शरीर का सिपाही किसको बोला जाता है, आपको याद होना चाहिए शरीर का सिपाही WBC को बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ WBC ना दिया हो, तब ये क्या लगाइएगा,
उसका कॉमन नेम दिया जाता है लिकोसाइट्स। शरीर के सिपाही को हम लोग बोलते हैं लिकोसाइट्स या WBC या फिर देते व्हाइट ब्लड सेल्स। अब क्वेश्चन रहेगा WBC का रेंज क्या होता है, 6000 से लेकर 8000 mmq में रहता है, मिलीमीटर में। ये आपका WBC का रेंज हुआ। या पूछ दे WBC को कितने भागों में बांटा गया है, WBC को 2 भाग में बांटा गया है, 2 टाइप्स होता है WBC का, 2 टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब फिर क्वेश्चन आपका पूछेगा कि ग्रेनुलोसाइट्स को कितने भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में बांटा गया है उसको भी। पहला है आपका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स। जो आपका ग्रेनुलोसाइट्स है उसको 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब है जो WBC का दूसरा टाइप है ए ग्रेनुलोसाइट्स, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2, इसका भी 2 टाइप्स है। पहला है लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ से कि न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स किसके अंतर्गत आता है, किस ब्लड के अंतर्गत आता है, तो WBC के अंतर्गत आता है और इसको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स को हम लोग लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स बोलते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, आपका WBC के अंतर्गत आता है या लिम्फोसाइट्स के अंतर्गत आता है। लिम्फोसाइट्स में कितना, लिम्फोसाइट जो है वो 20-25% होता है। इसमें बी लिम्फोसाइट्स होता है एंड टी लिम्फोसाइट्स होता है। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आपका रेस्पॉन्सिबल देखेंगे थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है। थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसका लाइफ स्पेन 9-12 दिनों तक होता है। अगर प्लेटलेट्स को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, अगर प्लेटलेट्स घट गया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी पर्सन में प्लेटलेट्स को बढ़ा दिया जाए तो उसका BP भी हाई हो जाता है, प्लस शरीर में थकान होने लगेगा, फीवर आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा। अगर प्लेटलेट्स को घटा दिया जाए तो होता है शरीर में रुखी टाइप में पड़ने लगता है, झुर्री टाइप में आने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बाई कन्वेक्स होता है। इसमें प्लेटलेट्स का जो संख्या होता है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख mmq होता है। आपका जो रेंज आता है प्लेटलेट्स जब चेकअप होता है तो देखा जाता है कितना से कितना रेंज के बीच है। अब हो गया, हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप होता क्या है, ये जितने भी पॉइंट्स है RBC WBC या थ्रोम्बोसाइट सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ब्लड ग्रुप होता क्या है। अब देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को रक्त समूह भी बोला जाता है। ब्लड ग्रुप को नॉर्मली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। अब जो ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, AB है, ओ है, इसको हम लोग नॉर्मली पॉजिटिव एंड नेगेटिव के तौर पे 8 भागों में डिवाइड किए हैं। जो हम लोग चार्ट से समझेंगे कि ए ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, या ए पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव लेगा, या ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसको डोनेट करेगा या किससे रिसीव करेगा, ये चीज हम लोग चार्ट में। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसको किसको डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को कर सकता है, AB पॉजिटिव को कर सकता है, किसको किससे ले सकता है ये ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव को से ये ले सकता है। अब ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसको किसको डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव को कर सकता है, AB पॉजिटिव को कर सकता है, AB नेगेटिव को कर सकता है, किससे ये ले सकता है, ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से ले सकता है। अब बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, तो किसको किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है और AB पॉजिटिव को दे सकता है, किससे किससे ले सकता है,
बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है। अब है ब्लड ग्रुप बी, बी निगेटिव ब्लड ग्रुप, सॉरी बी निगेटिव ब्लड ग्रुप किसको किसको डोनेट कर सकता है? बी निगेटिव को कर सकता है, बी पॉजिटिव को कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, ए बी निगेटिव को कर सकता है। अब है रिसीव करने की बारी, लेने की बारी। बी निगेटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है। अब है ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है? सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है। और जब लेने की बारी आई तो सारे ब्लड ग्रुप को ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है। अब है ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है? ए बी निगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। जब ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप को लेने की बारी है तो ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव से ब्लड ग्रुप ले सकता है। अब है ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव किसको किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? ओ पॉजिटिव को कर सकता है, ओ निगेटिव को कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, बी पॉजिटिव को कर सकता है। जब रिसीव करने की बारी है तो ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है। अब है ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप किसको किसको डोनेट कर सकता है? सभी को, जितने भी ये ब्लड ग्रुप हैं सभी को डोनेट कर सकता है। जब लेने की बारी है तो सिर्फ ओ निगेटिव से ही अपना ब्लड ग्रुप लेता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठाता है कि आपका जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ डोनेट करेगा किसको? ए बी पॉजिटिव को। जब लेने की बारी है तो सारे से ले सकता है, इससे इससे बी पॉजिटिव से जितने भी ब्लड ग्रुप है सारे से ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है, सारे से ले सकता है। अब है ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, ये डोनेट करने के लिए सारे ब्लड ग्रुप को डोनेट करेगा। जब लेने की बारी है तो सिर्फ ओ निगेटिव से ही ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? ओ निगेटिव को। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको बोला जाता है? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को। अब है एबीओ ब्लड ग्रुप फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था? कार्ल लैंड एस्टीनर ने किए थे, कार्ल लैंड एस्टीनर 1990 ईस्वी में। या एबी, एबीओ मतलब हो गया ए या बी या ओ, ये तीन ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड एस्टीनर 1990 में किए थे। अब है ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप को फर्स्ट बार रिपोर्टेड किसने किया था? डी कैस्टेलो एंड एस्टेनी ने, कब? 1902 ईस्वी में। अब है ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ये अल्कलाइन एसिडिक होता है। अब क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के बीच क्या अनुपात होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट रहता है, इसीलिए आरबीसी का अनुपात ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी का अनुपात कम होता है। तो आरबीसी का अनुपात हो गया 600:1। अब दे दिया आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप। अब आरएच ब्लड ग्रुप को फर्स्ट बार किसने डिस्कवर किया था? लैंड एस्टीनर एंड वीनर ने। इसको सबसे फर्स्ट बार किसने पाया गया था या किसने देखा गया था? वो एक मंकी था, रिहेसियस मंकी, उसमें देखा गया था। और आरएच ब्लड ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला आरएच पॉजिटिव, दूसरा है आरएच निगेटिव। अब आरएच पॉजिटिव जो है वो फादर में पाया जाता है और आरएच निगेटिव मदर में पाया जाता है। आरएच जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो हमेशा फादर में और आरएच निगेटिव हमेशा मदर में। ये 100% में 2% में, मतलब एक्सेप्शन में देखा जाता है कि आरएच ब्लड ग्रुप किसमें किसमें पाया जाता है।
ये जितने भी पॉइंट्स है ब्लड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।